मजा था बहुत पहले भैया जी। सुनिए भैया, बंबई वालों ने गीत दिया आदरणीय किशन भैया, तर्ज सुनिएगा बिल्कुल, निवेदन है आप लोग भी सुनेगा। पंक्ति कहती है, अरे फूलों से सीखा मैंने कोई लेना देना नहीं है, बस जितना लेना था वो हमने ले लिया। भैया जी आप लोगों ने एक कहानी पढ़ी होगी, राजा सोलोमन का न्याय, जस्टिस आप सोलोमन जी, अंग्रेज भी हैं, कक्षा छह में हमने भी पढ़ा था। भैया जी अब देखिए आप लोगों ने पढ़ा है, बस मैं कटपीस में ढाल रही हूँ। बिल्कुल, दो नारी है, हाँ। एक बेटा है, एक जन्म देने वाली है और दूसरी ने जन्म नहीं दिया है। एक बेटे के लिए दोनों माताएं लड़ रही हैं, वो कह रही है मेरा बेटा है, वो कह रही है मेरा बेटा है, दोनों परेशान हो गई, दोनों परेशान हो गई। और जब परेशान हो गई पहुंची राजा के पास। अब देखिए पंक्ति मेरी कहती है, भैया अरे पाला है गोदी जिसने लाल अपना, चुरा के अपने घर में रख लेते। पाला है गोदी जिसने लाल अपना, जिसने जन्म दिया है, कैसे दे दे वो नौनिहाल अपना। शाबाश क्या बोले, कहने लगी जन्म कुछ होता है उसके भाल अपना, डालो ना ऐसे लगी अपना निर्णय, नृप ही करेंगे, नृप यानी राजा अपना निर्णय ही करेंगे। और पहुंची दोनों वहां पे, बिल्कुल राजा ने न्याय किया, दोनों लोगों की बात सुनते रहे, राजा ने दिमाग लगाया
राजा ने आदेश दे दिया सैनिकों को कि इस लड़के के दो टुकड़े कर दो। बुलाओ कहाँ है, आधा इसको दे दो आधा उसको दे दो। क्या बात है, और जैसे ही जन्म देने वाली माँ ने इतना सुना कहने लगी नहीं राजा महाराज ना, कारण है आप इसको दे दीजिए। बिल्कुल धन की ताशीर से पूछो राजन, तन की ताशीर से पूछो, छाती कछीर से पूछो, समझे भैया, और पेट की पीर से पूछो, और नैनों के नीर से पूछो। वाह, इनको पता है ये मेरा लाल। और राजन आप कह रहे हैं मेरे लाल के दो टुकड़े कर दो, नहीं मुझे नहीं चाहिए। अरे चाहो तो दे दो तत्काल, जिंदा तो रहेगा, कम से कम जीवित तो बना रहेगा। तो